कक्षा 10वीं विषय गणित इकाई 3 दो चर वाले रैखिक समीकरणीय प्रश्नावली 3.6 निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। दो महिलाएं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला को कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं क्या कि माना एक महिला, इसमें हम मान लेते माना कि एक महिला इस कार्य को कितने दिन में x दिन में पूरा कर सकती है। यह कर लेगी ठीक, तथा पुरुष इस कार्य को करने के तथा पुरुष इसी कार्य को y दिन में पूरा कर सकते हैं ठीक। अब महिला के द्वारा कार्य को करने के दिनों की संख्या x, तो ऐसी स्थिति में एक महिला द्वारा, किसके द्वारा, एक महिला द्वारा एक दिन का कार्य, ऐसी स्थिति में एक महिला का जब एक दिन का कार्य हम देखेंगे तो वो होगा 1/x। इसी प्रकार एक पुरुष द्वारा एक दिन का कार्य, क्या होगा, 1/y। अब पहली शर्त को अगर ध्यान से समझी तो उन्होंने जो पहली शर्त दी है उसके अनुसार हम इसको सेट करेंगे। पहली शर्त उन्होंने दी है क्या, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ कितने दिन में, 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी 2 महिलाएं और 5 क्या है पुरुष। एक महिला का एक दिन का कार्य 1/x, तो 2 महिलाओं का 2 दिन का कार्य 2/x, 1 पुरुष का एक दिन का कार्य 1/y, तो कितने, 5 पुरुषों का एक दिन का कार्य 5/y। कंप्लीट कार्य पूरा होने में कितना दिन लगता है, 4 दिन, इसका मतलब है कि एक दिन का कार्य होगा 1/4। तो ये पहली शर्त के अनुसार जो इसका समीकरण बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेता है। देखिए ध्यान से क्या होगा, 2/x धन 5/y बराबरी से 1/4। अब 4 का दोनों पक्षों में गुणा कर दो तो हो जाएगा क्या, 4 × 8/x, 4×5 20/y बराबरी से 1/1। ये हमारे पास कौन सा, समीकरण नंबर 1 बन गया। पुनः इसकी दूसरी शर्त देखेंगे तो दूसरी शर्त से हमको दूसरा समीकरण मिल जाएगा। दूसरी शर्त को अगर ध्यान दें, ये तो पहली शर्त थी कि 2 महिला एवं 5 पुरुष, इसको हमने यहाँ लिखा 2 महिला और 5 पुरुष, इसके अनुसार समीकरण
एक बन गया। लेकिन अब हम इसी में देखें दूसरी शर्त, जबकि तीन महिलाएं एवं छह पुरुष इस कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इसका मतलब है जो द्वितीय शर्त बनेगी उसमें 3/x आएगा और 6/y बराबरी से 1/3। तो क्या बनेगी देखिए जरा, द्वितीय शर्त बनेगी कुछ इस प्रकार से, क्या कि 3/x धन 6/y बराबरी से 1/3। अब 3 का इधर गुना कर देंगे, 3 का गुना करने से हो जाएगा 3 × 3 = 9/x धन 3 × 6 = 18/y बराबरी से 1/1। ये हमारे पास बन गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 दोनों को ध्यान से देखें तो इसमें बटे में x है। इस बटे के x को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम मान लेते हैं, माना कि 1/x बराबरी से p व 1/y बराबरी से कितना q। ऐसी स्थिति में हमारे पास समीकरण 1 का बदला हुआ रूप, समीकरण 1 क्या है 8/x धन 20/y, तो इसका बदला हुआ रूप हमको मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से। क्या मिलता है, समीकरण बन जाएगा 8x धन ओ सॉरी 8p धन क्या मिलेगा धन 20q बराबरी से 1। और यही समीकरण जो लिखा ऊपर 9/x धन 18/y इसका परिवर्तित रूप हो जाएगा कितना, तथा इसी का परिवर्तित रूप हो जाएगा 9p धन 18q बराबरी से कितना 1। अब हम इसको विलोपन या वज्रगुणन या प्रतिस्थापन में से किसी एक मेथड का उपयोग करते हुए क्रमशः पी और क्यू के मान को निकालेंगे। तो क्या करें हम ध्यान से देखिए, यहाँ 8 है और यहाँ 9 है, तो ऐसी स्थिति में हम यदि विलोपन करना चाहते हैं तो इस समीकरण 1 में 9 का गुणा कर देंगे और समीकरण 2 में 8 का गुणा। कौन से समीकरण 2 में किसका 8 का गुना, किस में से समीकरण 1 में से, कौन से समीकरण 2 को क्या करने पर घटाने पर। समीकरण 1 में जब हम 9 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 9/8 = 72p, 9 का 20 में गुणा करेंगे तो 180q, और जब 9 का गुणा करेंगे तो 9 × 1 = 9। ऐसी 8 का गुणा 9p में करेंगे तो 8×9 = 72p धन 18 का 8 में गुणा करेंगे तो हमारे पास में 144q बराबरी से 8। क्योंकि हमने घटाने पर लिखा है इसलिए इसका प्रारंभिक चिन्ह धन ऋण में बदल जाएगा, ये भी धन ऋण में बदल जाएगा, ये भी धन ऋण में बदल जाएगा। 72p से 72p क्या हो जाएगा घट जाएगा, 10 में से 4 को घटाएंगे तो 6 और 8 में से 5 को घटाएंगे तो 3 बराबरी से 9 में से 8 को घटाएंगे तो 1। तो इस तरीके से किसका मान क्यों का मान आ जाएगा, इस तरीके से किसका मान क्यों का मान आ जाएगा, क्यों बराबरी से कितना 1/36। इस क्यों के मान को हम ध्यान दीजिए, ये भी समीकरण 1 और 2 का ही परिवर्तित रूप है। यदि इसको हम समीकरण 1 कहे और ये समीकरण नंबर 2 है तो ऐसी स्थिति में इसी समीकरण 1 में किसकी जगह पर
क्यों की जगह पर 1/36 रखने पर। समीकरण एक में क्यों बराबरी से 1/36 रख रहे अपन, जब क्यों का मान 1/36 रखेंगे तो मान हो जाएगा 8π × 20 × 1/36 बराबरी से 1। 4 से 20 और 36 दोनों में भाग चल जाता है, 4 × 5 = 20 और 4 × 9 = 36। अगली स्टेप देखिए क्या आएगी, 5/9 दाहिनी तरफ पक्षांतर हो जाएगा, तो ये पक्षांतर होके कुछ ऐसा बनेगा 8π = 1/1 × 5/9। इसका हल देखिए, 8π = लघुत्तम आएगा 9, 1 × 9 = 9 तो 9 × 1 = 9 × 5। π = 9 में से 5 को हम घटाएंगे, 9 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा 4/9। ये 8 इधर गुणे में दाहिनी तरफ भागफल में जाएगा। चलिए आगे देखिए, हमारे पास में क्यों का मान भी आ गया है। अब हम जानते क्या क्यों बराबरी से हमारे पास आया मान 1/36 तथा क्यों बराबरी से जो हमने माना था वो था 1/y। ये दोनों इसे प्रदर्शित करते हैं किसको, कि 1/y और कि 1/y और 1/36 आपस में कैसे है बराबर। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो y बराबरी से क्या आ जाएगा 36। तो हम ये बतला सकते हैं अब आसानी से क्या, कि एक अकेली महिला 1 अकेली महिला इस कार्य को x, हमने महिला कार्य x माना था और x का मान कितना आया 18 दिन में पूरा कर रही है। और किसका कार्य, पुरुष का, जबकि पुरुष उसी कार्य को, जबकि पुरुष उसी कार्य को वहाँ यानी कितने 36 दिन में पूरा करेगा। उम्मीद है ये प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल, धन्यवाद।